चलिए बढ़े आगे। अब बॉडी टैग के अपन ने बेसिक चाइल्ड टैग्स पढ़ लिए थे। लाइफ सर्वर इज नॉट वर्किंग, अच्छा लाइव सर्वर के लिए मैं दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आपने फाइल लोड करी है, फाइल कॉपी करी है, या आप लोगों ने कॉपी फोल्डर करा है वीएस कोड के अंदर? क्या कॉपी करा है? इफ लाइव सर्वर इज नॉट वर्किंग, आपने क्या कॉपी करा है फाइल के फोल्डर? फिर चलना चाहिए। अगर फाइल कॉपी करेंगे तो नहीं चलेगा, अगर बीएस कोड में फोल्डर आपने ओपन करा है तो जरूर चलेगा। अब एक सेटिंग और आप चेक कर लें, बीएस कोड के अंदर आपने वो प्रॉपरली करी है कि नहीं, राइट? तो सेटिंग्स में जाएंगे आप, सेटिंग्स में जाकर लाइव सर्वर लिखिएगा और चेक कीजिएगा लाइव सर्वर के लिए ब्राउजर कौन सा दिखाया जा रहा है। या नोटिस कीजिएगा आपको लाइव सर्वर सेटिंग में ब्राउजर कौन सा मिल रहा है, राइट? कई बार लाइव सर्वर में ब्राउजर की एंट्री नहीं होती है। अभी भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो कुछ फाइल्स के अंदर जाकर करनी होंगी, उससे करेंगे तो हो जाएगा फिर। ओके रजत, आगे बढ़े। चलिए तो लेट्स मूव फर्दर। अब आज हमारा अगला डिस्कशन बॉडी टैग से आगे बढ़कर उसके कुछ और टैग्स के बारे में होगा। अब आज अपन बात करते हैं, अपन दो एचटीएमएल पेजेस को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, या यूं कह दीजिए अपनी वेबसाइट पे यूजर को नेविगेशन देना होगा तो वो आप कैसे देंगे। तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसके बहुत सारे टाइटल हैं, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में टाइटल जो है वो ये कि आप पढ़ेंगे यूजिंग द ए टैग, ठीक? इसी का दूसरा टाइटल है आप पढ़ेंगे लिंकिंग मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस, या इसी का तीसरा टाइटल है प्रोवाइडिंग नेविगेशन टू द यूजर। आप अपने यूजर को अगर अपनी वेब पेज पे, अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पे नेविगेशन देना चाहते हैं तो आप इस काम को कैसे करेंगे, राइट? चले आगे। ठीक, अब आइए सबसे पहले बात करते हैं एंकर टैग के बारे में। याद रखिएगा, अगर आप यूजर को लिंक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, लिंक्स का मतलब यूजर क्लिक करे तो एक पेज से दूसरे पेज पे माइग्रेट कर पाए, ये काम करना हो अगर आपको, तो आप एचटीएमएल के अंदर यूज करेंगे एंकर टैग। सो द एंकर टैग इज यूज्ड बाय डेवलपर्स टू प्रोवाइड नेविगेशन टू द यूजर ऑन द एचटीएमएल पेज। अपने एचटीएमएल पेज पे या अपनी साइट पे यूजर को नेविगेशन देना हो तो आप इस काम को करने के लिए यूज करेंगे एंकर टैग। द मेन पर्पस ऑफ एंकर टैग इज टू प्रोवाइड नेविगेशन टू द यूजर। एक पेज पे क्लिक करे, वहां से दूसरे पे नेविगेट कर जाए, ये फैसिलिटी आप देते हैं यूजिंग एंकर टैग। अब आते हैं एंकर टैग के स्टैंडर्ड सिंटेक्स पे। जो एंकर टैग का स्टैंडर्ड सिंटेक्स है एचटीएमएल की तरफ से, वो है आप ए लिखते हैं। जैसे आईएमजी के साथ आपने देखा एसआरसी एट्रीब्यूट यूज होता है, वैसे एंकर टैग के साथ द एट्रीब्यूट टू बी यूज्ड इज एचआरईए। वैसे एंकर टैग के साथ द एट्रीब्यूट टू बी यूज्ड इज एचआरईएफ, और एचआरईएफ में आप पास करते हैं पाथ टू द रिसोर्स, यानी जिस एचटीएमएल पेज से आप इस करंट पेज को कनेक्ट करना चाहते हैं उस एचटीएमएल पेज का कंप्लीट पाथ आप पास करेंगे इन एचआरईएफ। और भी एट्रीब्यूट है लेकिन अभी अपन प्राइमरी एट्रीब्यूट को पढ़ रहे हैं, विच इज एचआरईएफ एट्रीब्यूट। फिर आप एंगुलर ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे कुछ टेक्स्ट
और उसके बाद आप एंकर टैग को बंद कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये टेक्स्ट का क्या रोल है, तो गौर कीजिएगा, इस टेक्स्ट का रोल है यूजर के सामने वो टेक्स्ट दिखाना जिसको क्लिक करने पर यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं यूजर को कुछ दिखे तभी वो उसको क्लिक कर पाएगा, तो आप एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में प्रोवाइड करेंगे वो टेक्स्ट जो अपीयर होगा एज अ लिंक। तो मैं लिख भी देता हूं, दिस टेक्स्ट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ द यूजर दैट इज ऑन द पेज एज अ क्लिकेबल लिंक। ओके, अब इसका करते हैं अपन छोटा सा एक प्रैक्टिकल, तो आपको ये बात और क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, मैं ओपन करता हूं अपना फोल्डर, दैट इज ऑनलाइन Django, इट्स इन रीसेंट पेजेस। ठीक है, VS कोड रीलोड होगा ताकि वो मेरे फोल्डर को प्रॉपरली ओपन कर पाए। Let me open it from this. This is our folder, right? So the page is opened. और यहां पर आपको दिख रही है मेरे इस वेब पेज के अंदर की सारी फाइल्स। अब सपोज करिए मैं यहां पर दो पेजेस बनाता हूं, एक पेज का नाम मैं डालता हूं home.html। ठीक, इस home.html के अंदर एज यूजुअल मैंने प्रोवाइड करा डॉक टाइप टैग, फाइन। उसके बाद मैंने लिखा html टैग, और html में हेड टैग दिया। हेड टैग के साथ मैंने दिया हमेशा की तरह टाइटल टैग विद द टाइटल एज माय होम पेज। ठीक, या मैंने H1 में लिखा होम पेज, उसके नीचे मैंने पैराग्राफ में टेक्स्ट दिया दिस इज माय होम पेज, और मैं चाहता हूं मैं इस पेज पे यूजर को एक लिंक दूं जिसकी मदद से यूजर, ऑफ कोर्स बॉडी है, बॉडी दे रहा हूं मैं, जिसकी मदद से यूजर मेरे इस पर्टिकुलर पेज से नेविगेट कर जाए टूवर्ड्स माय कॉन्टैक्ट पेज। यहां पर मेरे को एक पेज देना है जिसकी मदद से मैं चाहता हूं यूजर नेविगेट कर जाए मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे। तो मैंने यहां पर br डाला और यहां पर यूजर से कहा टू विजिट माय कॉन्टैक्ट पेज। ठीक, अब मैं चाहता हूं जो वर्ड आए क्लिक वो क्लिकेबल हो, तो मैंने यहां कहा a, यहां लिखा href इज इक्वल टू डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स में मैंने पेज का नाम दिया contact.html, और यहां लिखा मैंने क्लिक। तो ये जो वर्ड आपको क्लिक दिख रहा है ये दिखेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ क्लिकेबल टेक्स्ट, राइट। इतने की अगर हम टेस्टिंग करें, इतने से पेज को अगर हम रन करें सेव करने के बाद, तो आपको दिखेगा हाउ द पेज इज वर्किंग। HTML बिल्कुल सही, राइट। और उसके बाद मैंने सेव करा, सेव करने के बाद पेज को मैंने एग्जीक्यूट करा। तो ये पेज हमारा ओपन हुआ। अब आप नोटिस कर सकते हैं ये जो वर्ड लिखा हुआ आपको मिल रहा है दैट इज क्लिक, दिस वर्ड इज अपीयरिंग एज अ लिंक। इसी को आप हाइपरलिंक बुलाते हैं, इसी को आप लिंक बुलाते हैं, और इस तरीके के लिंक्स देने के लिए आप अपने वेब पेज पे यूज करते हैं एंकर टैग, राइट। अब इसका एक्चुअल इफेक्ट आपको तब दिखेगा जब अपन डिजाइन करेंगे सेकंड पेज, दैट इज द पेज विच इज कॉन्टैक्ट। ओके, तो अब आते हैं अपन सेकंड पेज पे। पेज का नाम मैंने दिया contact.html। ठीक, विद इन contact.html मैंने फिर से बेसिक HTML कोडिंग लिखी, राइट। हेड लिखा, टाइटल लिखा,
टाइटल में डाला मैंने कॉन्टैक्ट पेज, राइट, बॉडी लिखा, बॉडी के अंदर एक और H1 डाला, इस पे मैंने कहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और पैराग्राफ के अंदर मैंने कहा यू कैन कॉल अस एट दिस पर्टिकुलर नंबर BR, और अगेन BR, मेल अस एट scalivefouat@gmail.com. ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया, ओके okay? अब मैंने इसको सेव करा, फाइल मेन्यू में जाकर सेव करा, और अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करके यहां पे क्लिक करूंगा तो नोटिस कीजिए मैं होम पेज से नेविगेट कर जाऊंगा अपने कॉन्टैक्ट पेज पे. आ रहा बता रहा हूं शशांक, उसी पे आ रहा हूं मैं. ये क्लियर हुआ? अब इसमें दो तीन जरूरी बातें नोट कीजिए. आपने गौर करा होगा जब ये पेज मैंने शुरुआत में ओपन करा था तो ये जो क्लिक आपको दिख रहा था इसका कलर आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा ब्लू. देखा था आपने, इसका कलर आपको ब्लू दिख रहा था. ये आपके ब्राउजर की डिफॉल्ट नेचर होती है, और अगर आप चाहें तो आप इस नेचर को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS. ये जो दो कलर इफेक्ट आपको दिख रहे हैं, जब तक क्लिक नहीं हुआ था तब तक ब्लू था, और क्लिक होने के बाद क्या हो गया, क्लिक होने के बाद क्या हो गया, पर्पल हो गया. ये दोनों चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस काम को करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS. और एक चीज आपको दिख रही होगी, ब्राउजर ने अपने आप एंकर टैग के नीचे एक अंडरलाइन दिखा दिए, जबकि आप बहुत सारे वेब पेजेस पे देखेंगे ये अंडरलाइन नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल ओपन करता हूं, चेक करिए गूगल पेज पे ये जो आपको जीमेल का लिंक दिख रहा है, आप मानते हैं ये अपने आप में एंकर है? ये जो लिंक आपको दिख रहा है ये एंकर टैग है. डू यू एग्री टू दिस? क्यों? क्योंकि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं जीमेल वाले पेज पे नेविगेट कर जाऊंगा. नोटिस करिए जैसे मैंने क्लिक करा ये कंट्रोल मुझे ले गया मेरे जीमेल पेज पे, बट चेक करिए इसके नीचे तो अंडरलाइन नहीं आ रही है जैसी अंडरलाइन हमारे वेब पेज पे आ रही है. हमारे वाले पे तो क्लिक के नीचे अंडरलाइन दिख रही है. तो ये सारा बिहेवियर आप कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS. समझ में आ रही है मेरी बात सबको? तो अगर आपको कलर बदलना हो या अंडरलाइन हटानी हो, ये सब कुछ आप क्लिक करेंगे, हैंडल करेंगे यूजिंग CSS लैंग्वेज. हाँ, मोबाइल पे अलग करेगा, मैं बताऊंगा मोबाइल ब्राउजर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. ठीक है दिव्या, अभी पहले अपन स्टैंडर्ड बिहेवियर समझ लें, फिर जो इसके सबल केसेस हैं वो अपन अलग से करते हैं डिस्कस. होते हैं निहारिका, ये भी होते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस ग्रुप में भी मिल रहे हैं जो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करा होगा आपने. हाँ पंकज, आ रहा हूं, उससे भी आ रहा हूं, आपके डाउट को भी सॉल्व करता हूं. हाँ, आपको जिस टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने में इंटरेस्टेड हैं, किस पे क्लिक करके आपको यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कराना है, जिस पे भी नेविगेट करवाना है उस पे नेविगेट करवाने के लिए आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे इस एंकर टैग को. ठीक है, अब मुझे बताइए, मैं यूजर को वापस कॉन्टैक्ट से होम पे जाने का लिंक देना चाहता हूं तो क्या करूंगा यहां पर, बताओ जल्दी बताइए यहां पर क्या करेंगे. यहां पर अपन एक और पी टैग दे देते हैं, और जैसे हमने होम वाले पेज के अंदर कोडिंग की थी इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको एडिट करके मेंशन कर देते हैं इनसाइड द कॉन्टैक्ट पेज. ओके, तो यहां पर मैंने अब इसको कॉपी कर दिया, ये हो गया दिस इज माय कॉन्टैक्ट पेज, राइट, टू विजिट माय होम पेज. और यहां यूजर को नेविगेशन देने के लिए मैंने लिख दिया home.html. समझ में आया? ठीक, अब अगर आप रिफ्रेश करें इस पूरे पेज को, चेक करके देखें तो नोटिस कीजिए होम पेज पे क्लिक करा तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे गए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करा तो वापस पहुंच गए आप होम पेज पे. क्लियर हुई ये बात? समझ में आ रहा है?
आगे बढ़ू? ठीक है, अब आप कह रहे थे यहां आप नोटिस कीजिए, जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर होम पेज पे क्लिक कर रहा हूं मुझे कॉन्टैक्ट पेज दिख रहा है। क्या आपने नोटिस करा ये कॉन्टैक्ट पेज कौन से टैब में आ रहा है? क्या आपने नोटिस करा ये कॉन्टैक्ट पेज कौन से टैब में आ रहा है? ये कॉन्टैक्ट पेज सेम टैब में आ रहा है। ओके, मैं चाहता हूं यूजर जब इसको क्लिक करे तो कॉन्टैक्ट पेज एक अलग से टैब में खुले। तो अगर यूजर अपने आप में इंटेलिजेंट है तो वो राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब खुद ही सेलेक्ट कर सकता है। बट अगर हम चाहते हैं हमारे क्लिक पे भी टैब नया खुले, तो जो हमारा एंकर टैग होता है वो हमें एक एट्रीब्यूट और देता है। जो हमारा एंकर टैग है वो हमें एक एट्रीब्यूट और देता है, और उस एक और एट्रीब्यूट का नाम होता है टारगेट एट्रीब्यूट। उस एक और एट्रीब्यूट का नाम होता है एंकर में टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से आप ब्राउजर को ये इन्फॉर्म करते हैं कि जो नेक्स्ट पेज ब्राउजर खोल रहा है वो नेक्स्ट पेज इसी टैब में खोल रहा है कि अगले टैब में खोलना है। गौर कीजिएगा, बाय डिफॉल्ट टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ होती है। आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ होती है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ होती है, राइट? तो अभी अगर आपने इसको नहीं यूज करा था तो ये इस वैल्यू के कारण सेम टैब में अगला पेज भी ओपन कर रहा था। बट अगर आप चाहें तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप दे देंगे तो आप फिर ये कह रहे हैं ब्राउजर को कि जो अगला वेब पेज खोला जा रहा है वो एक नए टैब में खोला जाए, जो अगला वेब पेज खोला जा रहा है वो एक नए टैब में ओपन करा जाए। सो अगर मैं यहां पर टारगेट को यूज करूं और यहां टारगेट की वैल्यू मेंशन कर दूं एज अंडरस्कोर ब्लैंक, ओके, ये चीज मैंने होम पेज के अंदर की है, ध्यान दीजिएगा। सेव करता हूं, होम पेज पे क्लिक करता हूं। अब जैसे ही मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं, चेक कीजिए मेरा कॉन्टैक्ट खुल रहा है एक नए टैब विंडो में। क्लियर हुई है बात? समझ में आया सबको? राइट? तो यूजिंग टारगेट एट्रीब्यूट आप एक नए टैब के अंदर इसको खोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है सर नई विंडो में खोलना हो, तो अगर नई विंडो में आपको खोलना हो तो ये काम फिर CSS नहीं, ये काम आप करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये काम आपके लिए जावास्क्रिप्ट करेगी तो वो एक नई विंडो में इसको ओपन करे। हुआ क्लियर? हाँ ऋषि, इससे हम एक सिंगल पेज में भी मूव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटरनल नेविगेशन, उसके लिए HREF में हम लोग हैश देते हैं, ठीक है, वो आगे बताऊंगा जब अपन मेन्यूज बनाएंगे। उस केस में क्लिक करके आप एक ही पेज में नेविगेशन भी कर सकते हैं। अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब होता है जिस टैब विंडो में करंट पेज है उसी टैब विंडो में दूसरा पेज भी खुले। जैसे आप देखो ध्यान से, कॉन्टैक्ट पेज इस समय अपने टैब में है, ओके सारे का कॉन्टैक्ट पेज इस समय अपने टैब में है। जब मैं क्लिक करूंगा तो होम पेज खुलेगा। आप गौर करिए, होम पेज भी इसी टैब में खुल रहा है, होम पेज भी इसी टैब में खुल रहा है। ये बिहेवियर है टारगेट इक्वल टू सेल्फ का। लेकिन मैंने होम पेज में गौर करिए टारगेट को ब्लैंक करा हुआ है। जब आप टारगेट को ब्लैंक करते हैं तो पेज नोटिस करिए नेक्स्ट टैब विंडो में खुल रहा है। एक तरफ देखिए मैंने टारगेट यूज करा है, एक तरफ नहीं करा है। नोटिस कीजिए मैंने होम में टारगेट को यूज करा हुआ है, तो होम में चेक करिए कॉन्टैक्ट खुल रहा है नई विंडो में। लेकिन मैंने कॉन्टैक्ट में टारगेट को यूज नहीं करा है, तो चेक करिए कॉन्टैक्ट के अंदर जो हमारा अगला पेज ओपन हो रहा है होम, वो उसी पर्टिकुलर विंडो में हो रहा है। क्लियर हुआ? ओके, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी स्क्रीन्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे और गूगल क्लासरूम पे दोनों पे शेयर होती हैं, ठीक है। मैं एक बार और चेक कर लूंगा, अगर आप कह रहे नहीं हुई है, मैंने टीम को पूरा मटेरियल दे दिया था, उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, यूजिंग टारगेट एट्रीब्यूट। सो आप लिख सकते हैं दी एंकर टैग प्रोवाइड्स अस an attribute called target
which helps us decide whether we want the next page to open in the same tab or next tab. The default value of target attribute is underscore self, which means that the next page should open in the same tab. But if we change it to underscore blank, then the next page will open in a new tab. However, to open the next page in a new window, we have to use CSS. Very good. We have to use JavaScript. ठीक है, और एक बात एंकर टैग के बारे में मैंने आपको बताई थी, वो भी लिख देता हूं. ठीक, बाय डिफॉल्ट द कलर ऑफ अनक्लिक्ड लिंक्स इज क्या होता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर, ब्लू, एंड क्लिक्ड लिंक्स इज पर्पल. Stop. We can change this behavior. दोनों से कर सकते हैं, याद रखिएगा, using CSS as well as using HTML. HTML से कैसे करते हैं, होपफुली ये मैं आपको एक या दो लेक्चर में बताऊंगा. CSS पे हम नेक्स्ट वीक में पहुंचेंगे, तो नेक्स्ट वीक में इसे चेंज करना सीखेंगे वाया CSS. एक और इंपॉर्टेंट चीज, another point to understand is another point to understand is by default a tag has a underline. इसके नीचे एक underline आती है, and this can be removed using CSS. ठीक है, इतनी बातें anchor tag के बारे में आपको याद रखनी है.